पिछले साल दिसंबर नवंबर में मैं आया था, और जो हम दिल्ली में वेद सम्मेलन करने जा रहे थे उस संबंध में यहाँ पर आप लोगों के साथ भी मुलाकात हुई थी और कुछ यहाँ के विद्वत परिषद लोगों के साथ भी मुलाकात हुई थी। अब जब मैं दोबारा यहाँ पर आया हुआ हूँ तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर एक चर्चा है, माहौल है, और लोग इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं कि जिस समाज में समरसता होनी चाहिए वहाँ पर ये दुश्मनी और हिंसा क्यों हो रही है। आज समाज में आपस में टकराने की बातें ज़्यादा हो रही हैं। सबको साथ लेकर सबका विकास करने की जो बात थी वो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। अभी संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने 3 दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में बहुत बड़ी संगोष्ठी की और देश भर के लोगों को कहा कि आइए हम बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बुलाने पर कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति वहाँ पर गया। अपने ही लोगों में घिरे हुए अपनी ही बात को फिर से एक बार उन्होंने दोहरा दी। यदि मोहन भागवत सचमुच में ईमानदारी से कोई चाहते हैं संवाद हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त नगरी यदि कोई है तो वो ये काशी है। काशी को ऐतिहासिक रूप से ये श्रेय जाता है कि ये महर्षि दयानंद की शास्त्रार्थ नगरी, यहाँ इन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक शास्त्रार्थ किया था। महर्षि दयानंद से पहले यहाँ कबीर और रैदास जैसे बहुत बड़े बड़े जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी उनके प्रखर आलोचक रहे, और काशी में अलग अलग विचारधारा के लोगों का आना, इसके साथ ही जुड़ा हुआ सारनाथ है बौद्ध परंपरा का, तो हर तरह की परंपराओं के लोगों का यहाँ पर आना, मिल करके बातचीत के साथ साथ संवाद और शास्त्रार्थ की तरफ जाना। कभी किसी के साथ कोई हिंसा नहीं हुई। कभी किसी का कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, न ऋषि दयानंद का हुआ, न कबीर का हुआ, न रैदास का हुआ। न बहुत साल, हजारों साल पहले सिद्धार्थ गौतम का हुआ, बुद्ध का। अलग अलग विचारधाराओं में बहस होती रही। अच्छा होता मोहन भागवत काशी में आते और शास्त्रार्थ की उस परंपरा को जीवित करते।